नमस्कार, मैं निशा, आप देख रहे हैं बिग न्यूज। कोरोना काल में छात्रों की बाधित हुई पढ़ाई की भरपाई के लिए बिहार सरकार द्वारा तैयार किए गए कैचअप कोर्स के मद्देनजर शुक्रवार को राजकीय मध्य विद्यालय पंचवारा में एक दिवसीय संकुल स्तरीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें संकुल क्षेत्र के विद्यालयों के शिक्षक शिक्षिकाएं शामिल हुई। प्रशिक्षण के दौरान मास्टर ट्रेनर विद्यानंद पंडित एवं सीआरसी दिनेश कुमार मंडल ने उपस्थित शिक्षकों को कैचअप कोर्स के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि अप्रैल पहले सप्ताह से सभी विद्यालयों में इसका संचालन होगा। राज्य शिक्षा शोध परिषद ने इसके लिए बकायदा पाठ्यक्रम तैयार किया है। पिछली कक्षा की बेसिक जानकारी के साथ हर महत्वपूर्ण अध्याय को कैचअप कोर्स में पूरा कराया जाएगा। जून तक पिछली कक्षा की पढ़ाई पूरी कराने के बाद ही जुलाई से छात्र अपनी वर्तमान कक्षा की पढ़ाई शुरू कर सकेंगे। मौके पर कई शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहे। बेलहर प्रखंड के अंतर्गत राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय के पास राजद कार्यकर्ताओं ने विधानसभा में हुई घटनाओं को लेकर तेजस्वी के बिहार बंद आह्वान पर सड़क जाम किया और जमकर नारेबाजी भी की। विधानसभा में राजद विधायकों ने अपमानजनक घटना घटी, इसके लिए राजद कार्यकर्ताओं ने एक घंटे तक सड़क जाम किया। गाड़ी की लंबी कतारें लगने लगी और पब्लिक में भी अफरा तफरी का माहौल बनने लगा। मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी ने राजद कार्यकर्ताओं से बातचीत के बाद समस्या का निदान करने की बात कही और तब जाकर सड़क जाम टूटी। विधानसभा में हुए विधायकों पर पुलिसिया बरबर लाठीचार्ज एवं किसानों के साथ हो रहे वादा खिलाफी के विरुद्ध प्रखंड क्षेत्र के रामपुर शंभुगंज मुख्य मार्ग, कुमारपुर एवं फुलीडुमर खेसर मुख्य मार्ग को घंटों जाम कर दिया और वर्तमान सरकार के विरुद्ध नारे लगाए। गाड़ियों की लंबी कतार लग गई, जिससे राहगीरों को आने जाने में इधर उधर भटकना पड़ा। बंद को सफल बनाने के लिए प्रखंड महासचिव अमरेंद्र राय, उपाध्यक्ष शैलेंद्र यादव, रणधीर महाराणा, विवेकानंद मांझी मुंगेर युवा राजद सचिव रणधीर राय, राहुल देवराज, किशोरी साह, देवेंद्र यादव अन्य सक्रिय थे। बांका बिहार की राजधानी पटना में दो दिन पूर्व ही सत्ता के गलियारे में हुई घटना को लेकर पूरा विपक्ष आक्रोश में है। राजद और महागठबंधन से जुड़े अन्य दलों के नेता और कार्यकर्ता पूरे आक्रोश में हैं। राजद एवं महागठबंधन के विधायकों के साथ पुलिस द्वारा की गई वर्वरतापूर्ण कार्यवाही को लेकर विरोध का स्वर तेज है। विरोध के इसी क्रम में शुक्रवार को बिहार बंद का आह्वान राजद की ओर से किया गया। बंद को सफल बनाने में कार्यकर्ताओं ने सड़क पर मोर्चा संभाल लिया है। वाहनों की आवाजाही भी प्रभावित है, दुकानें बंद करा दी गई और मुख्य चौक चौराहे को जाम कर दिया गया। बंद कराने सड़कों पर उतरे राजद कार्यकर्ताओं बांका सहित जिले भर में बिहार बंद का आगाज हो चुका है। सुबह से ही राजद नेता एवं कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर बाजार में दुकानें बंद कराते नजर आए। जो व्यापारी दुकानें खोलने के लिए आए थे, उन्होंने भी फिलहाल अपनी दुकानें को नहीं खोलना ही बेहतर समझा। पूर्व विधायक रामदेव यादव ने कहा, विधायकों के साथ सरकार के इशारे पर की गई वर्वरतापूर्ण पुलिस कार्रवाई पर मारपिटाई की गई है, इस घटना की निंदा करते हैं। उन्होंने कहा, यह तानाशाही सरकार है, नीतीश सरकार पर उन्होंने जमकर निशाना साधते हुए कहा। नीतीश के शासन काल में बिहार में लोकतंत्र का मंदिर है और संस्थान जिस तरह कलंकित हुआ है, वह भारत के इतिहास का एक कला अध्याय है। उत्पाद विभाग ने 3,396 लीटर से अधिक अंग्रेजी और देसी शराब को नष्ट कर दिया। मौके पर एसडीएम मनोज कुमार चौधरी, उत्पाद अधीक्षक अरुण कुमार मिश्रा, उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर सहित विभिन्न थाना से आए पुलिसकर्मी मौजूद थे। एसडीएम मनोज कुमार चौधरी ने बताया, उत्पाद विभाग ने विभिन्न थाना इलाकों में 51 जगहों पर छापेमारी कर 3,396 लीटर शराब को जब्त किया था, जिसे आज सबके सामने नष्ट किया गया है। शराब नष्ट करने का वीडियो भी बनाया गया है, ताकि बाद में किसी तरह का सवाल ना उठे। उत्पाद अधीक्षक अरुण कुमार मिश्रा ने बताया, अदालत में साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए शराब का सैंपल इकट्ठा किया गया है। देसी शराब की थैली को फाड़कर नाली में बहाया गया है, जबकि विदेशी शराब की बोतल को तोड़कर नष्ट किया गया है। उन्होंने कहा, शराब का विनिष्टीकरण डीएम के आदेश पर किया गया है। शराब की बोतलें को उत्पाद अधीक्षक कार्यालय परिसर में ड्रेन आउट विधि से नष्ट किया गया है। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले आप सभी से आग्रह है, अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर आप हमारा फेसबुक पर न्यूज देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लें। तो फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।